दोस्तों बात करने वाले टाटा पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों टाटा पावर स्टॉक ने आज बड़ा धमाका कर दिया और देखा जाए दोस्तों 8.5% तक की रैली के साथ स्टॉक ने आज क्लोजिंग करी। देखो भाई इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है, यूनियन बैंक के साथ दोस्तों कंपनी ने एक बड़ा एमओ यहाँ पे किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों की अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो पूरा टाटा ग्रुप दोस्तों आज हमें ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिला। टाटा ग्रुप आप टाटा केमिकल को ले लो भाई, ऑलराउंड पिछले 2-4 दिन से देखोगे तो 40-45% तक की रैली भाई दिखा चुका है और पूरा टाटा ग्रुप के अंदर अभी के टाइम दोस्तों एक बड़ी रैली है वो देखने को मिल रही है। देखो टाटा पावर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब टाटा पावर दोस्तों 360 रुपए के आसपास आया था अगेन कि भाई देखो ये नहीं रुकेगा ये ऑलराउंड बताऊं मैं टारगेट मेरे यहाँ पे दोस्तों 500 रुपए के देखने को मिल रहे थे, मेरे पहले टारगेट 400 के जो कि कब के अचीव हो चुके थे। इंपॉर्टेंट चीज अभी का डाटा अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों अगले टारगेट यहाँ से क्या रहेंगे, कितना टाइम लगेगा सारी जिस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। और बताऊं मैं तो आज एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिला और दोस्तों 10 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे आज ट्रेड हुए और 9.88 लाख शेयर यहाँ ट्रेड हो चुके हैं। इसलिए अगर यहाँ पे एमओ बताऊं तो एमओ भी के टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, 5,05,000 शेयर के टाइम एमओ में पॉजिटिव, मतलब कल भी दोस्तों हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों की डिलीवरी कितनी है, तो डिलीवरी आप देखोगे 27-28% के आसपास आज माल खरीदा गया एंड यहाँ पे देखा जाए तो 2.5 करोड़ शेयर यहाँ पे डिलीवर हुए जो कि यहाँ पे 3 बजे तक का ही डाटा। और हम बताऊँ यहाँ पे तो भाई 2.60 करोड़ के आसपास शेयरों की डिलीवरी आज यहाँ पे नजर आई, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई आज कितना इन्वेस्टमेंट आया टाटा पावर के अंदर तो भाई 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें आज टाटा पावर के अंदर आता हुआ देखने को मिला है, तब जाके ये 8-9% गेन किया है। देखो भाई टाटा पावर में मैं फिर बता रहा हूँ कि कंपाउंडिंग वालों को ने मौका छोड़ दिया, कंपाउंडिंग जो गेन करना चाहते तब आपको पकड़ना था 200 रुपए के आसपास, जब ये 190 पे गया था 200 पे तब आपको पकड़ना था, कंपाउंडिंग तब दिखती आपकी, अभी के टाइम आप पकड़ोगे चलो ठीक है। आज टाटा मोटर्स ने भी देखो कि टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के अंदर 3% के जो प्राइस है वो घटाया, इसलिए टाटा मोटर्स भी अपसाइड में देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो टाटा पावर की जो भाई प्लान है ना, टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी थर्मल पावर के अंदर अभी के टाइम कर रहा है कैपेसिटी क्रिएट करने पे लगा हुआ, टोटली अपने जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चर करा, जब उनसे बिजली दोस्तों ये लेना शुरू करेगा ना तब आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आपको टॉप लेवल पे देखने को मिलेगा। तब दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर सेगमेंट में ईवी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार 40 स्टेशन स्थापित करें, कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कंपनी का एमओ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल बाद दोस्तों ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, जो 5,000 रुपए का आंकड़ा है वो भी आपको ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही है दोस्तों लॉन्ग टर्म की ताकत, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रुक रहे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट तो ये दे चुका है, आगे भी यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है। अगर आज के इंट्राडे हाई दोस्तों अगर देखा जाए तो 433.30 तक का ये हाई क्रिएट कर चुका है एंड यहाँ पे जो बाउंड वीक आई है वो भी आप देख सकते हो, आज यानी कि 7 मार्च को हमें नए बाउंड वीक आई क्रिएट होते हुए देखने को मिले हैं। इसलिए अगर बताऊं मैं दोस्तों टाटा पावर के प्लान, देखिए दोस्तों मेन चीज हम टाटा पावर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे देखते हैं। देखो मेन चीज यहाँ पे टाटा पावर की दोस्तों अगर ऑर्डर बुक अपन अभी के टाइम देखना कि टाटा पावर की ऑर्डर बुक कितनी तगड़ी है यहाँ से, तो आप देखेंगे दोस्तों जो कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड कंपनी का जो टारगेट है वो आप देखोगे तो कंपनी के ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का पूरा टारगेट आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी चीज की जो अभी के टाइम की कैपेसिटी कंपनी लेके बैठी है ना वो तगड़ी है यहाँ पे भाई, अगर देखा जाए कैपेसिटी पावर पोर्टफोलियो देखोगे यहाँ पे तो 14,300 मेगावाट की कंपनी की करंटली दोस्तों कैपेसिटी हमें नजर आ रही है एंड भाई यहाँ पे कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे लगी हुई है एंड बड़े बड़े प्लांट कंपनी लगा रही है एंड आने वाले टाइम में अगर देखोगे तो भाई जो टाटा पावर ना टोटल अपना जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी का ही जो उत्पादन है वो करेगी, मतलब यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की ही प्रोजेक्ट लगाएगी। मेन चीज यहाँ पे बता दूं मैं तो देखो अभी के टाइम जो रिटेलर ना भाई रिटेल बड़े प्लेयर्स को माल सेल नहीं करे इसलिए इतना वोलेटिलिटी यहाँ पे आती है, हाल ही के अंदर स्टॉक को 360 रुपए तक वापस लाया गया एंड अगेन वहां से रिवर्सल करवाया गया ताकि रिटेलर्स पैनिक होकर सेल करें एंड बड़े प्लेयर्स ने इसमें एक मोटा मुनाफा यहाँ पे कमाया है भाई, देख सकते हो 10% के आसपास लेके बैठा है दिया, यहाँ पे 16-17% लेके बैठा है, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा अराउंड 26.87% पब्लिक लेके बैठी हुई है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के पास भी माल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का भाई हर क्वार्टर रिजल्ट धमाकेदार रहा है, यहाँ पे अगर सबसे बड़ी चीज कि कंपनी के अगर यहाँ पे हम दोस्तों चार्ट पैटर्न देखें ना तो आप देख सकते हो लगातार तो चार्ट ना भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ये जो आपको वोलेटिलिटी नजर आई है शॉर्ट टर्म बेसिस की, लॉन्ग टर्म में तो भाई स्टॉक ऊपर आया है, देख लो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो हमें ऊपर ही देखने को मिला है एंड यहाँ पे अभी के टाइम देखो फिर से वॉल्यूम आ रही है, फिर से वॉल्यूम के साथ ही बाउंस कर रही है, हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज है।